आज क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में संबंध और फलन हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है संबंध और फलन? संबंध और फलन जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होता है रिलेशन। सबसे पहले हम संबंध की बात करें तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध भी आप जानते हैं और सार्वत्रिक संबंध भी जानते हैं। नया संबंध जो क्लास 12th में एडिट हुआ है वो है, एक है स्वातुल्य, एक सममित और एक संक्रामक। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल स्टडी कराते हैं, बताते हैं क्या होता है संक्रामक, क्या होता है स्वातुल्य और क्या होता है सममित। तो संबंधों के प्रकार में एक नया प्रकार जो ऐड हो रहा है जो आपको पढ़ना है, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी फलन आर के लिए, ठीक है। समुच्चय ए पर परिभाषित फलन आर, किसी भी समुच्चय ए पर परिभाषित कोई भी फलन आर स्वातुल्य होगा, सममित होगा या संक्रामक होगा, वो किस किन बातों पर निर्भर करता है हम आपको बताते हैं। पहली कंडीशन हम बताते हैं वो स्वातुल्य कहलाएगा। किसी भी समुच्चय पर अगर फलन आर परिभाषित हो रहा है वो स्वातुल्य कब कहलाता है ये देखते हैं। स्वातुल्य कहलाने के लिए जो कंडीशन होती है, स्वातुल्य संबंध, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्वातुल्य के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए हो, किससे, अगर कोई आर मस्ट बी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब कि ए कामा एस आर से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। इसके आपको समझाते हैं, ये तो स्वातुल्य की कंडीशन। अगर ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, स्वातुल्य हो जाएगा। सममित की बात करें, सममित का केसेस, इसको अंग्रेजी में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। सममित का क्या केसेस होता है, सममित संबंध कब कहलाता है, वही कंडीशन है समुच्चय ए पर परिभाषित फलन आर सममित संबंध कब होगा। सममित ए कामा बी बिलोंग्स टू ए हो, ए कामा बी किससे संबंधित हो, ए से संबंधित, और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो एंड आल्सो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए का बी आर से बिलोंग कर रहा है, उस केसेस में जब ए और बी से संबंधित है, मतलब समुच्चय ए के तत्व ए और बी हैं, उस केसेस में ए कामा बी जो आर्डर पेयर बनेगा हमारा ए कामा बी का, वो आर से संबंधित हो, और इसका जस्ट रिवर्स उल्टा बी कामा ए भी किससे संबंधित हो, आर से संबंधित हो, उस समय वो क्या हो जाता है, सममित संबंध हो जाता है, अर्थात सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहता है, सिमेट्रिक रिलेशन, अंग्रेजी में इसको सिमेट्रिक, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल्स में सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं संक्रामक क्या होता है, कैसा रिलेशन, संक्रामक रिलेशन के लिए देखते हैं। संक्रामक के लिए आप समझिए इस बात को, संक्रामक ये थर्ड है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध के लिए आप सब देखिए, इसमें क्या होता है, ए बी ए कामा बी का सी बिलोंग, उस क्या होगा, अगर ए कामा बी आर से संबंधित है एंड बी कामा सी भी किससे संबंधित है, आर से संबंधित है, तो उस समय एक ऐसा संबंध जरूर होना चाहिए कि वो किससे संबंधित हो, ए से और सी से। वहां पे ए कामा सी जरूर बिलोंग करना चाहिए आर से, अगर ये पॉसिबल हो जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, स्वातुल्य सममित और संक्रामक को ट्रांसिटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन बोलते हैं, और स्वातुल्य को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उस न्यूमेरिकल के थ्रू एक क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का, उसके थ्रू हम आपको सारी ये तीनों कंडीशंस को क्लियर कर देते हैं, फिर आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी स्वातुल्य सममित और संक्रामक दिखाने पे, ठीक है। चलो पुश डाउन द वीडियो एंड नोट द क्वेश्चंस, थैंक यू। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि स्वातुल्य क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांसिटिव क्या होता है। हिंदी में स्वातुल्य
सममित और संक्रामक, अभी हमने आपको डिटेल में बताया। अब हम उसको समझते हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से कि क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहली बात तो इन्होंने हमें समुच्चय जो दिया है, जो सेट है हमारे पास है, वो किसका है, 1, 2, 3, 14 तक, मतलब कि नेचुरल नंबर का है सेट, कहाँ तक, 14 तक, 14 तक नेचुरल नंबर गई हुई, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए वो यहाँ पे, कहाँ पे, रिलेशन पे, संबंध क्या दिया गया, ये ऑर्डर पेयर देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। पहले मैं इसको पढ़ना बता दूँ आपको, संबंध रिलेशन आर इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट है आप जानते हो, एक्स कामा वाई सच दैट, ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई सच दैट, सच दैट बोलते हैं उसको हिंदी में, इस प्रकार है कि 3x-y = 0, 3x-y = 0, इस x और y का जो संबंध है वो 3x-y = 0 का है, और इस संबंध के बारे में हम आपको बताते हैं। यहां पे जो हम रिलेशन बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे, ऑर्डर पेयर, बात को समझना हमारी, x अगर मैं यहीं से लेना है, 14 से ज्यादा नहीं लेना है, x अगर मैं 1 ले ले रहा हूं, x की वैल्यू मैंने कितनी ली है, x इक्वल टू 1 ले लूं, तो इस संबंध से y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3x बराबर y आएगा रिलेशन, माइनस इधर जाएगा y हो जाएगा, तो यहां से 3 1 जा 3, तो y इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो x अगर मैं 1 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 3, ऑर्डर पेयर ये है। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो क्या बनेगा, 2, 2, 3 = 6। उसके बाद अगर मैं ले लूं यहां पे 3 ले लूं तो 3, 3 = 9 बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी, रिपीट इट, अगर 1 तो 3, 3, 3 = 3, फिर 3, 2 = 6, 3, 3 = 9। अब अगर मैं 4 ले लूं तो कितना आ जाएगा, 4, 3 = x की वैल्यू 4 लिया हूं तो 4, 3 = 12, y इक्वल टू 12। अब अगर मैं कहूं 5 ले रहा हूं x की वैल्यू, ठीक है ले लो क्योंकि 5 यहां पे है, लेकिन 5, 3 = 15 हो जा रहा है, y की वैल्यू सेट से बाहर चली जाएगी, क्योंकि सेट की वैल्यू कहां तक जा रही है, 14 तक ही जा रही है, इसका मतलब हम 5 नहीं ले सकते, वो लाई नहीं करेगा हमारे सेट पे, इसका मतलब हमारा जो संबंध बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 का बन रहा है। अब यहाँ पे इस संबंध पे, इसी संबंध पे हम दिखाएंगे ये स्वातुल्य है, सममित है या संक्रामक है। स्वातुल्य के लिए कंडीशन ये है, पहले हम स्वातुल्य दिखाएंगे। जब हम स्वातुल्य दिखा रहे होते थे तो यहाँ पे देखो 1 belongs to A है, 1 A से संबंधित है, लेकिन क्या 1, 1 R से संबंधित है, कहीं पे 1, 1 है, नहीं है, क्या है, नहीं है, therefore it's not a reflexive, अतः यह स्वातुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 तो A से संबंधित है लेकिन 1, 1 does not belongs to R, ये संबंधित नहीं है, इसको कट कर देंगे, does not belongs to R, ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम सममित के लिए देखें, सममित इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक संबंध के लिए अगर हम सममित चेक कर रहे होते हैं तो सममित के लिए क्या है, सममित संबंध के लिए क्या बताया था हमने, 1, 3 संबंधित है किससे, R से, ठीक है, 1, 3 belongs to R। अगर ऐसा है तो यहां पे 3, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। क्या 3, 1 संबंधित है, देखिए क्योंकि 3, 1 नेवर भी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3, R आर से संबंधित नहीं होगा, इसका मतलब ये सममित भी नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, कौन सा नियम, 3x = y, जो इन्होंने संबंध दे रखा है हमको, संबंध इन्होंने दिया 3x = y, ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो y की वैल्यू 3 आ जा रही थी, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 3 रख दूं तो y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी इस संबंध से, इसलिए सममित भी नहीं है। अब मैं अगर बात कहूं संक्रामक के लिए, तो पुश डाउन द वीडियो एंड वी सी इट, संक्रामक क्या है, संक्रामक देखते हैं, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। संक्रामक संबंध अगर हम देखते हैं तो क्या है, संक्रामक संबंध के लिए हमने क्या बताया, 1, 3 belongs to R, 1, 3 R से संबंधित है, ये देखो, ठीक है, उसके बाद देखो 3, 9 भी संबंधित है, 3, 9 belongs to R, दोनों कंडीशन 1, 3 belongs to R और 3, 9 belongs to R, बट क्या
एक कामा सी, अर्थात क्या एक कामा नौ संबंधित है इससे? डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, इट्स नॉट अ ट्रांसिटिव आल्सो, ये ना तो स्वातुल्य था, ना संक्रामक है, ना सममित है। चेक कर लीजिए आप रिलेशन, 3x माइनस वाई इन्होंने संबंध दे रखा है बराबर जीरो, फॉलो नहीं कर रहा है। और क्या कंडीशन थी? अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर हो और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर हो, तो ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होगा, तभी संक्रामक होगा, और ये संबंधित है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है। सममित का केस भी यही था, ए कामा बी अगर आर से संबंधित है तो बी कामा ए भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी ये फॉलो नहीं कर रहा था। बात नहीं समझ में आई, ठीक है, देखते हैं।